एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आइए जानते हैं आज की खास खबरें। जी टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सीरियल के अंदर लोगों के दिलों पर राज करने वाले कबीर और जारा के कैरेक्टर अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस सीरियल में जल्द ही एक साल का लीप दिखाया जाएगा। इस लीप के दौरान दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग रहते हुए नजर आएंगे। इश्क सुभान अल्लाह सीरियल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने टेलीचक्कर से बात करते हुए इस खबर की पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, हाँ सीरियल में एक साल का लीप आने वाला है और फिलहाल इसी को लेकर शूटिंग चल रही है। लीप के दौरान उस पल को दिखाया जाएगा जब कबीर और जारा एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। सीरियल से जुड़ा पोस्ट लीप वीडियो आने वाले हफ्ते की शुरुआत में लोगों के बीच लाया जाएगा। वैसे कबीर और जारा की लाइफ में आने वाले इस ट्विस्ट पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने बीते रविवार को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अनीता के 38 बर्थडे पर उनके पति रोहित रेड्डी और साथी कलाकार करिश्मा तन्ना, सुरभि ज्योति, करण पटेल, दिव्यांका त्रिपाठी, विकास गुप्ता, विवेक दहिया और निया शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज मौजूद थे। उनकी खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से आज उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। चाहे रील हो या फिर रियल लाइफ, उनका स्टाइल और अंदाज काफी लाजवाब होता है। ये हर जगह अपनी खूबसूरती से छाप छोड़ जाती है। अनीता हसनंदानी ने अपने बर्थडे से रिलेटेड पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर किए। चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सीरियल में मूरा की जान खतरे में पड़ जाएगी। HindiRush.com को सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के सूत्रों से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सीरियल के अंदर राजा धनानंद के दिमाग में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्यों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश चलती हुई नजर आएगी। राजा धनानंद के बुरे इरादे शो में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाले हैं। इसके साथ ही दुर्गम की वजह से मूरा की जान मुसीबत में पड़ती हुई नजर आएगी। आगे सीरियल में दिखाया जाएगा कि दुर्गा पूजा के दौरान मूरा खुद को दुर्गम के सामने समर्पित कर देगी। कल्की उसकी परेशानी को समझेगी और उसकी मदद करेगी। इस दौरान मूरा कल्की को समझाएगी कि महिला के आत्मसम्मान को दुर्गम जैसे बुरे इंसानों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य मूरा की इस परेशानी का हल कैसे निकालेंगे और क्या धनानंद अपने बुरे इरादों में सफल हो पाएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए HindiRush। आम जनता के अलावा टिकटॉक पर बहुत सारे टीवी एक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से कुछ हैं पटियाला बेब्स एक्ट्रेस अशनूर कौर और अलादीन नाम तो सुना होगा की एक्ट्रेस अवनीत कौर। दोनों के टिकटॉक फैंस मिलियंस में हैं। ऐसे में इस ऐप के बैन होने पर दोनों ने रिसेंटली HindiRush.com को दिए इंटरव्यू में अपनी बात रखी। आइए आपको बताते हैं कि टिकटॉक के बैन होने पर इन दोनों एक्ट्रेस का क्या कहना है। अशनूर कौर ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं टिकटॉक से इतनी जुड़ी हुई नहीं हूँ। एक टिकटॉक और इन्फ्लुएंसर से बढ़कर मैं एक एक्टर हूँ। एक्टिंग के प्रोफेशन को ही मैं सीरियसली लेती हूँ। टिकटॉक तो मैंने सदियों से छोड़ दिया है, लेकिन हो सकता है कि मैं उस ऐप पर लौट आऊँ क्योंकि मेरे फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस मामले पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। वहीं टिकटॉक के बैन होने पर अवनीत कौर ने कहा, जी देखिए, सबसे ज्यादा मैं फॉलो की जाने वाली स्टार तो नहीं हूँ, तो मैं नहीं जानती कि ये सब क्या चल रहा है। बस मैं इतना कहूंगी कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, तो बस मैं इतना कहूंगी कि बस मैं लोगों को जैसे इंस्पायर कर रही हूँ वैसे ही इंस्पायर करती रहूंगी, यहाँ नहीं तो फिर कहीं और। वेल, क्या आपको लगता है कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट रेज की रोशनी बानी और शिवाशीष मिश्रा के रिलेशनशिप में होने की खबरें कई दिनों से आ रही हैं। ऐसे में इनके रिश्ते पर कमेंट करके दीपक ठाकुर ने सुर्खियों को हवा दे दी। सबके मन में यही सवाल था कि क्या इनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। तो इसी सवाल का जवाब देते हुए दीपक ठाकुर ने HindiRush.com को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इन दोनों के रिश्ते पर खुलकर बात की। दीपक ठाकुर का कहना था, दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, दोनों यंग और टैलेंटेड हैं और बिजनेस करते हैं, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं और बिग बॉस में दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रही है। जैसे लोग मुझ पर कमेंट करते हैं वैसे ही मैंने उनकी जोड़ी पर कमेंट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं या दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। ऐसा ना कभी रोशनी ने बताया है और ना ही शिवाशीष ने। दोनों ने ही कहा है कि वो दोस्त हैं। शिवाशीष के बर्थडे में जब वो इंदौर गई थी तो मैंने रोशनी से पूछा था कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा, दीपक हम सिर्फ दोस्त हैं। वेल, दीपक के इस बात से तो यही लगता है कि शिवाशीष और रोशनी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती वाला है। लेकिन इन फोटोज को देखकर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो ये थी आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए HindiRush।